यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तमाम के लिए जी टी फाइव। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो सर आप लोगों को तो पता होगा कि सर एल रूबियो ने हमारे सीक्रेट बेस पे अटैक कर दिया था। अब गजर अटैक तो किया क्या था, साथ में गजर वो जो लेसर को भी लेकर जा चुका था सीधा काया पेरी को। अब गजर जैसे तैसे करके जो है मैंने और ट्रेवर, मतलब ट्रेवर ने तो गजर क्या ही एंट्री मारी थी वहां पर, गजर लेसर को बचा के लेके आ चुके हैं। पता नहीं गजर ये एल रूबियो को कौन सी बीमारी लग गई है भाई, हमारे पीछे नहीं छोड़ रहा है। और यहाँ पर आप लोग ट्रेवर को देखो, अब ट्रेवर भाई क्या करना चाह रहा है यार। अब भाई सब पता नहीं यार, चलो छोड़ो यार, ट्रैवल को थोड़ा मतलब रनिंग करने दो यार, वैसे भी थोड़ा मोटा सा हो गया है। बाकी तो यहाँ पर मैं लेसर से तो पहली बात हो चुकी थी, और लेसर ये बोल रहा है कि जब वो काया पेरी को मैं था ना, तो उसने एल रूबियो की बातें सुन ली हैं। और वो जो बात है वो ये है कि गजर अभी वो लॉस सैंटोस के अंदर मतलब अपनी जो ना एक आर्मी को भेजने वाला है, वो भी गजर एक गाड़ी को चुराने के लिए। अब पता नहीं चल रहा है वो जो गाड़ी है वो कौन सी गाड़ी है और कहां पर ही आने वाला है। लेसर ये बोल रहे गजर अभी जो ना एक बंदे की गजर उसने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, और वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो गजर मतलब एल रूबियो के साथ थी। तो मैं सीधा गजर अभी उसी बंदे के पास निकलने वाला हूँ जिस बंदे को गजर अभी एल रूबियो बात करता लास्ट टाइम। बाकी तो आप लोगों को पता होगा ये जो गाड़ी है ये एक बंदे की थी, मतलब वो जो बंदा एल रूबियो ने उस पर भी अटैक कर दिया था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो मैकेनिक है ना, ये इतनी देर से लगा पा रहा है सो गाड़ी को ठीक करने में, मतलब अरे भैया जी गाड़ी ठीक हो गई है तो उठ जाए जल्दी से, मेरे को निकलना है भाई, पता नहीं क्या करने में लग रहा है। तो भाई मेरे को इससे बात बात करके देखनी पड़ेगी। अबे उठ, तेरी ऐसी कब, उठ उठ उठ। तो गाइस यहाँ पर मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है, और ये जो बंदा बोल रहा है कि गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है, तुम लेके जा सकते हो। तो चलो यार यहाँ पर जो ना गाड़ी को लेके चलते हैं। अब आप लोगों को तो ये पता होगा कि लेसर ने मेरे को एक बंदे के बारे में बता दिया है, मतलब वो जो बंदा है ना वो गजर एल रूबी के साथ मिला हुआ है, और गजर आज वो एक गाड़ी को चुराने की प्लानिंग बना रहे हैं। लेसर ये बोल रहा है वो जो गाड़ी है वो कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है भाई, मतलब वो गाड़ी तगड़ी गाड़ी है बहुत ज्यादा। तभी एल रूबियो अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर भेज रहा है वो भी गाड़ी को चुराने के लिए। तो गाइस यहाँ पर तुम्हारा भाई गाड़ी को भगाते भगाते अभी बहुत ज्यादा आगे आ चुका है। एक तो गजर यहाँ पर जो ना लेसर ने तो मेरे को यही लोकेशन बताई थी, पता नहीं यहाँ पर लेसर ये बोल रहा था कि एक मेंशन होगा अच्छा खासा, भाई मेरे को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओ भाई एक सेकेंड गजर, ये वाली जो गाड़ी नहीं मेरे को कहीं देखी देखी सी लग रही है, और ये तो भाई अपनी गाड़ी है भाई। आप लोगों को पता होगा भाई ये जो गाड़ी है ना, ये बंदा कितनी ज्यादा तेजी में चला रहा है इस गाड़ी को। और गजर आप लोगों को पता होगा गजर ये जो गाड़ी है मर्सिडीज की टॉप क्लास एडिशन है, और ये जो गाड़ी है ये गजर हमने प्रेसिडेंट मतलब मिलिट्री वाले जनरल के लिए चुराई थी जब गजर जनरल को मारना था, और लॉस्ट गैंग के बंदों ने आके गजर ये जो गाड़ी मेरे से छीन ली थी, और आज भी ये गाड़ी मेरे को दिख चुकी है। बेटा मैं ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, गाड़ी कितनी ज्यादा तेजी में भगा रहा है। तो गाइस यहाँ पर तुम्हारा भाई गाड़ी को भगाते भगाते अभी उसी लोकेशन पहुंच चुका है, मतलब गाइस उस गाड़ी का पीछा करते करते मैं पता नहीं कहाँ पर आ गया। और ये कैसी जगह है भाई, ये तो भाई मेरे को कुछ अजीबो गरीब जगह लग रही है। और एक सेकंड मेरे को अपनी जो गाड़ी है वो दिख चुकी है, यहाँ पर ही चल कर आए मेरे को भाई, यहाँ पर छुप कर देखना पड़ा। ओ भाई भाई एक सेकंड यहाँ पर तो लॉस्ट गैंग के बहुत ही ज्यादा बंदे हैं। अपनी गाड़ी का जर मेरे को दिख चुकी है, अपनी सामने की तरफ एक गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी को तो भाई मैं लेके जाने वाला हूँ। और ये कर क्या रहे भाई आगे की तरफ, एक सेकंड कर क्या रहे भाई, पार्टी वार्टी चल रही है, ओ तेरी भैंस की, यहाँ पर तो बलास गैंग भी है, अबे लॉस्ट गैंग भी है, और साथ में ग्रीन गैंग के बंदे भी खड़े हुए हैं। सीधी सी बात है अगर मैं गाड़ी में जाके बैठा तो भाई ये जो लोग है ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो भाई मेरे को यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, मैं अपनी गन निकालता हूँ, और भाई मैं बिल्कुल भी नहीं देखने वाला, सीधा बजाने स्टार्ट करते हैं। निकलो तुम, निकलो यहाँ से जल्दी, ओ तेरी भैंस की, आप किधर की तरफ है बेटा, लॉस्ट गैंग बलास गैंग सारी मिल चुकी है भाई। एक सेकंड भाई निकल यहाँ से, इसकी भी गलती मैंने ऐसे तैसे कर दी है, आ जा बेटा आ जा, किधर किधर, ओ भाई पीछे की तरफ बहुत ही ज्यादा बंदे आ चुके हैं, एक मेरे को कवर लेना पड़ेगा यार। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा बंदे आ चुके हैं, और भाई ये निकल कहाँ से रहे भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोग पर नजर मारो, यहाँ पर लॉस्ट गैंग भी है, साथ में बलास गैंग भी है, और साथ में ग्रीन गैंग भी है। मैं भाई क्या पागल वागल हो गए कि ये मिलके मेरे को मारना, भाई 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 मैं यहाँ से पीछे छुपता हूँ यार, और ये इतने सारे बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, भाई मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक सेकंड बेटा गाड़ी दूर हो जाओ, गाड़ी तुम्हारी नहीं है भाई, ओ ओ भाई भाई एक सेकंड, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, बेटा मेरे को हल्के में ले रहे हो क्या भाई, बहुत ही ज्यादा बंदे भाई। तो गाइस यहाँ पर जो ना काफी ज्यादा बंदे आ चुके, मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी को उठाते जल्द से निकलते हैं, निकल यहाँ से, बेटा कहाँ छुप रहा है, गाड़ी के अंदर बैठ तो, नहीं नहीं गाड़ी के अंदर नहीं बैठना भाई, गाड़ी में भाई साहब मुझे, ओ भाई मैंने बाद में देखा यहाँ पर भाई साहब बॉम्ब लगा रखा था इन्होंने गाड़ी के अंदर, उतरी भैंस की, भाई मैं ऐसे जल्द से निकलता हूँ, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, लॉस्ट गैंग भाई इतनी ज्यादा चालू हो सकती है मेरे को पता नहीं था भाई। यहाँ पर हालत जो है ना बहुत ज्यादा बेकाब हो चुका है, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओ आंटी आंटी निकलो यहाँ से, बेटा कितनी चोरी हो रही है भाई,
तुम्हारी तो ऐसी कम तेजी, मेरी गाड़ी किधर की तरफ है? निकलो यहाँ से गजर, यहाँ पर मेरे को ना लैम्बो लेके निकलना पड़ेगा, इससे पहले गजर कुछ देरी वेरी ना हो जाए। ओ, 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 ओ भाई यहाँ पर तो भाई मैं ही फंस चुका हूँ इनके चंगुल में। आराम से भाई साहब गाड़ी को भगाओ भाई जल्दी जल्दी, ये जो लोग हैं भाई तो बेकाबू हो चुके हैं यार। पहली बार ऐसा हुआ है भाई मैं वहाँ से भग के आ चुका हूँ यार, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भाई, मतलब बंदे भाई पागलों की तरह आ रहे थे भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल निकल कर आ रहे थे। गाइस यहाँ पर जितने भी गैंग थी ना, बलास गैंग, सिल्वर डॉलर गैंग और साथ में ग्रीन गैंग, लॉस्ट गैंग, ये सारी मिल चुकी हैं भाई। और भाई सब ये क्या करना चाह रहे हैं सारी मिलके, पता नहीं क्या सीन है भाई। मैं यहाँ से निकलता हूँ, उससे पहले कहते पीछा वीछा तो नहीं कर ना, अगर भाई पीछा कर रहे तो भाई और लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि अपनी गाड़ी को लेकर आएंगे, लेकिन भाई ये गलत फहमी थी। और अपनी जो मर्सिडीज गाड़ी है ना, वो तो गजर वहीं पर ब्लास्ट हो चुके, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन गैंग वालों को मैं इतनी बुरी तरीके से मारने वाला हूँ ना। तो गाइस यहाँ पर तुम्हारे भाई गाड़ी को भगाते भगाते अभी सीधा लेसर की बताई हुई जगह पहुंच चुका है। और भाई मैं पहले यहीं पर ही आ रहा था, लेकिन वो जो अपनी गाड़ी को देख के भाई मैंने उसका पीछा किया और आप लोगों ने देख ही लिया यहाँ पर क्या सीन हो चुका है। अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और आई थिंक इस घर में मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। इस घर में गाइस मैंने एक बार ना अपनी गाड़ी को डिलीवर किया था अपने शोरूम से, गाड़ी को एक बार बंदे ने मंगाया था। चलो यहाँ पर जो है मैं सिक्योरिटी गार्ड से बात कर लेता हूँ। तो ओके गाइस यहाँ पर मेरी सिक्योरिटी गार्ड से बात हो चुकी है, और गाइस इसने मेरे को साफ मना कर दिया। ये बंदा बोल रहा है कि बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते हो। तो भाई मेरे पास और कोई चारा नहीं है गाइस, मेरे को जो है ना कुछ तो गलत सीन करना पड़ेगा। बेटा मैं तेरे को मारना नहीं चाहता, अपने हाथ से मारना पड़ेगा। एक घुसंड कदम नहीं है बेटा, बदमाशी करेगा क्या? भाई मैं यहाँ पर अंदर की तरफ आ चुका हूँ। ओ भाई साहब नहीं नहीं यार, यहाँ पर जब पहला आया था ना, तब तो गजर किसी अलग ही टाइप का घर बना रखा था, और अभी किसी अलग ही टाइप का है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, कोई बंदा भी नहीं है भाई, यहाँ पर पूरा खाली पड़ा हुआ है। लेसर ये बोल रहा है कि जो इस घर का मालिक है ना, वो एल रूबियो के साथ मिला हुआ है, और वो जो बंदा है उसने गजर कल रात को एल रूबियो के पास कॉल करी थी। लेसर ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक सेकंड गजर एक बंदा आगे की तरफ भी खड़ा हुआ है भाई, मैं यहाँ पर अपने नॉर्मल बिहेव करता हूँ, आगे की तरफ चल के देख लेते हैं, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि गजर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अगर ये बंदा ये डोर की सिक्योरिटी कर रहा है, तो सीधी सी बात है डोर के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। सर निकल लिया आप यहाँ से, एक घुसा और बंदा जो है ना बेहोश हो चुका है। चलो गजर यहाँ पर इस रूम के अंदर कुछ ना कुछ तो है भाई। ओ भाई साहब ये तो नीचे जाने का रास्ता रखा है भाई, ये तो किसी गुप्त रास्ता है। सर आप भी निकले यहाँ से, एक लात और बंदा जो खत्म हो चुका है। और इसके अंदर भी एक बंदा है जो कि भाई साहब मरा पड़ा है, बेहोश पड़ा है, मेरे को अभी कुछ आईडी नहीं है। ओ अबे तू कैसे उठ गया बेटा, तू कैसे उठ गया? अबे जान जान बहुत ले रहा है। तो गाइस इस बंदे को तो मैंने बेहोश कर दिया। और एक सेकेंड यहाँ पर तो गाइस एक लेडी बैठी हुई है चेयर पे, और साथ के साथ एक बंदा है जो कि गाइस इससे कंटिन्यूसली पूछताछ कर रहा है। आई थिंक यही वो बंदा है जो एल रूबियो के साथ मिला हुआ है। और भाई मेरे को जो है ना इसका खेल खत्म करना है, और इससे ये पूछना है कि एल रूबियो की क्या प्लानिंग है, क्योंकि वो जो है ना अपने बंदों को लॉस सैंटोस भेजने वाला है, वो भी एक गाड़ी को चुराने के लिए। और वो जो गाड़ी है वो वैसे कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ी है, मेरे को भी नहीं पता, लेसन ने मेरे को साफ साफ नहीं बताया। तो गाइस यहाँ पर जो है मैंने अपने हाथ में स्टन गन पकड़ लिया है, और भाई मैं जाते ना इसके मुंह पे बच जाने वाला, उसको समझ में नहीं आने वाला। और भाई साहब बंदे को भाई मैंने बेहोश कर दिया है बेटा, बहुत फोन पे बात कर रहा था, और ये लेडी क्यों बैठा रखी है भाई, इसने इसका क्या दोष है? चलो गाइस इस लेडी से बात बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरे इस बंदे से बात हो चुकी है, और भाई इस बंदे ने मेरे को सब कुछ बता दिया है। और भाई बताएगा भी क्यों नहीं, इसको भाई मरना थोड़ी है। और आप लोग जो सामने की तरफ ये लड़की देख पा रहे हो ना, सो गाइस इस लड़की के हस्बैंड के पास बहुत ज्यादा बड़े शोरूम है, मतलब ये जो बंदा है नीचे की तरफ बैठा हुआ है, ये इस लड़की का मतलब शोरूम लेना चाहता है। तेरी ऐसी की तैसी, तुम्हारी बहन तुम्हें समझ रखा है भाई, जी तो कर रहा है यहाँ पर जो ना इसको मार दू जान से, लेकिन भाई मारना नहीं है इसको, इसको अपने साथ लेके जाना है। अभी मेरे को ये भी नहीं पता है कि भाई एल रूबी की जो सिक्योरिटी ना वो कहाँ पर आने वाली है। तो ये जो बंदा ये मेरे साथ चलने वाला है बेटा, आराम से उठ जा, अभी भाई ये जो है ना मेरे साथ चलेगा। और भाई आराम से आराम, एक सेकंड बाहर जाने का गजर ये रहा रास्ता, और भाई मैं बाहर जाने का रास्ता ही भूल गया। वाह भाई वाह, चलो गजर यहाँ पर बाहर तो आ चुका हूँ बेटा, जल्द से आ जा, अभी तो तेरे को बेहोश करा, अभी तो गोली भी नहीं मारी भाई मेरे, इसमें स्टन बजाई थी, और स्टन से तो आप लोगों को पता भाई बंदा बस बेहोश होता है, वो भी गजर 10-15 मिनट के लिए। तो गाइस यार ये जो बंदा है ना, ये मुझे लग रहा है मेरे को हल्के में ले रहा है। ये बंदा बोल रहा है कि तुम बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो एल रूबियो के साथ टक्कर लेके। बेटा इतनी बुरी मौत मारूं है ना, चलो भाई मैं क्या बोलूं यार इसको, मैं तो सोच रहा हूँ इसको जो ना यहीं पे खेल खत्म कर देते हैं, इसका चलना देखो कैसे चल रहा है। अब मैं गर्दन को ना सर जमीन में घुसा दूंगा, पता नहीं क्या यार इसका सीन भी। भाई यार यहाँ पर जो ना गाड़ी को भगाते हैं, और सीधा इसी बंदे की बताई हुई जगह पर निकलते हैं। और वो जो गाड़ी है ना, वो गाइस यार मेरे को बस जैसे जैसे करके प्रोटेक्ट करनी है।
क्योंकि अगर एल रूबियो उसको चुरा कर ले जाता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेसर ये बोलेगा अगर उस गाड़ी के अंदर मिसाइल लग रखी है, मतलब एल रूबियो जो है ना वो भाई हमारे लिए यूज कर सकता है उस गाड़ी को हम पे अटैक करने में और हमारे बेसिस को डिस्ट्रॉय करने में। तो भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अभी गाजर यहाँ पर गाड़ी को भगाते हैं, सीधे निकलते हैं अभी इसी बंदे की बताई जगह पर। अबे बता भी दे भाई कहाँ जाना, पसर के बैठा हुआ है भाई, मैं इसको छोड़ ओड़ दूँ यहाँ पर, एक बार काम हो जाने दो अपना, तो भाई इतनी बुरी मौत मारूँ ना इसको। तो गाइस यहाँ पर तुम्हारा भाई गाड़ी को भगाते भगाते अभी इसी बंदे की बताई हुई जगह पहुँच चुका है। और ये बंदा मेरे से बोल रहा है गाइस आज एक कार ऑक्शन होने वाला है और गाइस उसी में ही जो है ना एल रूबियो के बंदे आने वाले हैं ये गाड़ी को चुराने के लिए। भाई मेरे को यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से बात करनी पड़ेगी और सीधा अंदर की तरफ निकलते हैं। तो ओके गाइस यहाँ पर मेरी सिक्योरिटी गार्ड से बात हो चुका है। ये बंदा बोल रहा है कि आप सर अंदर की तरफ जा सकते हो, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भाई साहब यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा बंदे आए हुए हैं और ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पर। तो भाई आप लोग जो ग्रीन कलर की गाड़ी देख पा रहे हो ना, सो गजर यही वो गाड़ी है जिसके बारे में लेसर मेरे को बता रहा था। इस गाड़ी के अंदर गजर मिसाइल्स तक लग रही है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और भाई पहले ये मिलिट्री वालों के पास थी लेकिन किसी बंदे ने चुरा के इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके गजर मिलिट्री वालों से पीछे छुड़वा लिया था। चलो कोई नहीं गजर, आज देखते हैं वो जो एल रूबी का चेल है वो कब तक आएंगे इस गाड़ी को चुराने के लिए। जैसे आएंगे वैसे गजर मैं भूत बनाने वाला हूँ और साथ के साथ ये जो गाड़ी है ना इसको भी भाई मैं लेके जाने वाला हूँ अपने साथ में, क्योंकि गजर ये जो गाड़ी बिल्कुल भी यहाँ पर सेफ नहीं है। और एक दूसरी गाड़ी भी है, मैं आग की तरफ जा सकता हूँ क्या, कोई मनावना तो नहीं करेगा ना यहाँ पर। भाई स्पीच चल रही है तो भाई मैं यहाँ पर सॉरी भाई यहाँ पर दूसरी गाड़ी रॉल्स है भाई, मैं तो पीछे की तरफ हो जाता हूँ यार, यहाँ पर फोटो फोटो खींच रहे लोग। चलो यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं पीछे की तरफ। तो गाइस वेट करते करते बहुत टाइम हो चुका है भाई, अभी तक मेरे को कोई भी ऐसा बंदा तो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आया हो। बाकी यहाँ पर आराम से मौज मस्ती मार रहे हैं। ओ भाई एक सेकंड, ओ तेरी भैंस की, यहाँ पर ये मेरे को क्यों मार रहे हैं भाई, पागल वागल हो गए क्या भाई, ये सिक्योरिटी गार्ड से मेरे को मारने लगे हैं। तुम्हारे तो ऐसी की तैसी, बेटा बजा कर रख दूंगा एक सेकंड के अंदर अंदर, एक सेकंड रुको, यहाँ पर गए बाहर तक जाकर देखना पड़े। ओ भाई साहब ये बंदे कौन है, ये तो एक सेकंड तेरी तो ऐसी की तैसी निकले यहाँ से, भाई मेरे को मारेगा क्या। ओ भाई एक सेकंड गजर यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदे आ चुके और ये जो बंदे ना कंटिन्यूसली मेरे को मार जा रहे हैं, ये एल रूबी की सिक्योरिटी है। और भाई पता नहीं कब कब मैं आ गया भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। बेटा गाड़ी को चुराओगे क्या, बेटा गाड़ी को तो मैं लेके जाने वाला हूँ तुमसे पहले, एक सेकंड गजर यहाँ पर निकले यहाँ से। बेटा एल रूबी को पता तो चलना चाहिए, मैं यहाँ पर ये जो गाड़ी पहले भी लेके जा सकता था लेकिन भाई अगर मैं पहले लेके चला जाता तो भाई कुछ मजा सा नहीं आता ना। अब एल रूबी को पता चलना चाहिए कि गजर माइकल जो है ना उसके अंदर भी हिम्मत है भाई, वो सोच रहा है गजर हम नकली बंदे हैं। मारी तो ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से एक सेकंड भाई यहाँ पहले कवर लेना पड़ेगा। अबे तू साइड हो जा भाई, तेरे को भी यहाँ पर गोली से मार दो। लो भाई इसको भी गोल लग गए भाई, अबे मर मर जाएगा फालतू में, साइड हो जा। तो गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदे आ चुका है, चेले साइड हो ना भाई, मरना वरना चाह रहा है क्या, अबे मर मर गया क्या। ओ भाई लोग लो भाई इसमें तो भाई भर दी इन्होंने, तुम्हारी ऐसी की तरह बेटा मैंने आर्मर वार्मर सब कुछ डाला हुआ है। ओ ओ ओ लेट्स गो, ओ तेरी भैंस क्या, ओ भाई साहब इन्होंने तो भाई मेरी गाड़ी को, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई मेरी लैम्बो इन्होंने खराब कर दी भाई पूरी की पूरी, तुम्हारी भैंस की आंख। एक सेकंड हो गज, अब इन्होंने भाई मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। बेटा तू निकल यहाँ से गज, ये जो बंदा ये गजर आते जा रहे हैं पूरी की पूरी गाड़ी को ब्लास्ट कर दी और अपनी गाड़ी फोड़ दी है। अब एक पागल निकल यहाँ से, यहाँ पर जो ना मेरे को अंदर की तरफ जाके ना वो जो गाड़ी है वो गजर जैसे तैसे करके लेके निकलना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा देर करूँगा तो क्या पता ये जो लोग हैं ये भाई क्या सके। ओ तेरी ऐसी तैसी, एक सेकंड ओ मैं यहाँ पर कुछ किसी को करना नहीं चाहता, यहाँ पर जैसे गाड़ी को लेते हैं सीधा निकलते हैं इससे पहले गजर कुछ ज्यादा देरी हो जाए। ओ भाई आराम से, ये वही गाड़ी है भाई और आई थिंक इसके अंदर उड़ने का भी सिस्टम है। ओ भाई साहब दैट्स वाई गजर एल रूबी का बच्चा इस गाड़ी को चुराने के लिए बोल रहा था, ये जो गाड़ी इसके अंदर भाई साहब नीचे ग्रेविटी काम नहीं कर रही क्या, पता नहीं क्या गाड़ी है भाई ये। और भाई साहब मैंने भाई इसको लेके भाई मैं तो निकल चुका हूँ भाई, मेरे गजर बहुत ही ज़्यादा सही सीन हो चुका है। मतलब भाई हम एल रूबी से डरते थोड़ी यार, उसने अपने आप को समझ के रखा है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस गाड़ी को चुरा लिया है और आप लोग बताना ये गाड़ी कैसी लग रही है, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है ये। भाई पहले हमारे पास पता नहीं आई थिंक थी नहीं थी, ये नहीं थी यार इसी की दूसरी थी। और ये जो गाड़ी है गजर पहले मिलिट्री वालों के पास थी, मतलब किसी बंदों ने या किसी गैंग वैंग वालों ने मिलिट्री में इसमें अटैक किया और ये गाड़ी चुरा ली थी और फिर पता नहीं गजर ये जो गाड़ी ना अचानक से गायब हो गई थी। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, गजर यहाँ पर तुम्हारा भाई गाड़ी को भगाते बस सीधा अभी जिमी के कॉलेज पहुँचने वाला है, क्योंकि भाई मेरे पास अभी जिमी की कॉल आई थी। जिमी ये बोलेगा गया कुछ बंदों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, पता नहीं कौन ही बंदे हैं। और भाई लेसर भी मेरे पास कॉल आ चुके, लेसर ये बोल रहा है कि इस गाड़ी को ना बिल्कुल भी उड़ाओ मत, अगर ये मिलिट्री वालों के हाथ लग गई मतलब मिलिट्री वालों ने अगर इसको देख लिया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ सकती है।
क्योंकि भाई मिलिट्री वाले इस गाड़ी को बहुत सालों से ढूंढते हुआ रहे हैं, लेकिन अभी केस ठंडा पड़ चुका है तो भाई इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए लेसर ये बोला कि इस गाड़ी को बिल्कुल नॉर्मल चलाओ, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। ओ इस बंदे को देखो भाई साहब, नई गाड़ी के ले लिए भाई, पूरा मौज मस्ती में चला रहा है। अबे हटा ले इसको, क्या करना चाह रहा है भाई? मैं कल नहीं है, चलो छोड़ो यार, पता नहीं कहाँ से कहाँ मोड़ना चाह रहा है। और लो भाई मैं आ तो चुका हूँ, अपनी जो गाड़ी ना उसके आगे तरफ लगाते हैं। और पता नहीं यार जिमी का जो कॉलेज है वो कौन सा वाला, भाई मैं तो आज तक आया नहीं हूँ। आई थिंक यही होना चाहिए, अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगाते हैं। और भाई मैंने लॉक करता हूँ, क्योंकि ये जो गाड़ी अगर एक बार चोरी हो गई ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी यार, और मैं नहीं चाहता यहाँ पर गाड़ी वाड़ी चोरी हो। चलो यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया है। और ये जो स्कूल है मतलब कॉलेज है, इतना ज़्यादा बढ़िया है ना। ओ एक सेकेंड गजर, यहाँ पर मैं अंदर की तरफ आ तो चुका हूँ। मेरे को ये भी नहीं पता है कि जो जिमी है उसकी क्लास कौन सी है, यहाँ पर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है क्या? एक सेकेंड, ये तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पर तो यार क्लास चल रही है, बंदे बंदे बैठे हुए। ओ सॉरी सर, सॉरी सॉरी भाई, मैं गलत क्लास में आ गया, मैंने यहाँ पर जिमी को नोटिस ही नहीं करा। चलो यार यहाँ पर जो ना आगे की तरफ जल्द से निकलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर जिमी है किधर की तरफ। अबे ये भी पूरा खाली पड़ा हुआ। आई थिंक भाई कोई प्रिंसिपल प्रिंसिपल है नहीं यार, छुट्टी चल रही है भाई, मुझे क्या लग रहा है हॉलीडेज चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो ना बस एक्स्ट्रा क्लासेस, जो बच्चे नालायक होते हैं ना उनको ही एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, और जिमी उनमें से एक है यार। लो भाई ये पूरी की पूरी क्लास खाली पड़ी हुई है, और ये जो क्लास है मेरे को लग रही है कि इंटेलिजेंट बच्चों की है, बस यहाँ पर जो नालायक बच्चे होते हैं ना उनकी क्लासेस लग रही हैं। अब यार चलो कोई नहीं, गजर आप लोग मेरे को बताना आपने कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं। चलो भाई यहाँ पर ऊपर की तरफ चल कर देख लेते हैं। अब भाई ये पूरा आई थिंक ये क्या बना रखा है भाई? ओ भाई साहब यहाँ पर ये तो यार आई थिंक वही क्लास है। भाई मैं घूम घाम के ना पूरा कॉलेज घूम लिया हूँ भाई, मैं तो आज तक चलो छोड़ यार ऊपर की तरफ आ तो चुका हूँ। और भाई 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 गजर ये कॉलेज कितना ज्यादा बड़ा बना रखा है ना भाई, मैं यहाँ पर पूरा कॉलेज घूम लूँ लेकिन मेरे को ना अभी तक समझ नहीं आ रहा है। और ये जेंट्स का कौन सा है भाई? ओ मुझे लग रहा है जरा बॉयज का ये वाला है। तो अंदर की तरफ चल के देख रहे हैं थोड़ा हल्का वल्का हो लेते हैं। एक सेकंड, ये क्या कर रहे हैं भाई? ये किस बंदे को मार रहे हैं? और ये तो भाई अपना जिमी है तुम्हारी, तो निकल यहाँ से तू भी। और बेटा एक सेकंड भाई, जिमी में क्यों मार रहा हूँ भाई मैं? तेरी तो ऐसी की तैसी। ओ सॉरी सॉरी, ओ भाई जिमी मैं हूँ भाई। अबे भाई साहब गजर जिमी तो भाई पागल हो चुका है। गजर यहाँ पर आप लोग देखो, तेरी तो ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। अच्छा बेटा जिमी में मारेगा, निकल यहाँ से। गजर यहाँ पर दो चार बंदों ने मिलकर जिमी को मतलब पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। ओ अच्छा, अबे जिमी मजा चखाते भाई इनको, तुम्हें समझ रहे हो मैं माइकल का बेटा है, तो मार 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 भाई साहब इनकी तो ऐसी की तैसी। चलो गजर यहाँ पर जो ना मेरे को जिमी से बात करनी पड़ेगी। और ये बंदे कौन ही है और जिमी को भाई बाथरूम में ले जाके मार रहे हैं भाई? मतलब पूरी गैंग बना रखी है कॉलेज के अंदर भी। आ जा जिमी जल्दी से आ जा भाई, मैं यहाँ पर गजर गन वन बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहता क्योंकि गजर कॉलेज है भाई, यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स नीचे की तरफ पढ़ रहे हैं तो भाई अपनी क्या रेपुटेशन रह जाएगी भाई। और पूरा मतलब माइकल वाइकल पे केस वेस भी हो सकता है पुलिस वुलिस का, तो मैं भाई बिल्कुल भी नहीं चाहता। चलो कोई नहीं, अबे जिमी जल्दी से आ जा। गजर यहाँ पर जल्दी से जिमी को लेकर चलते हैं। और भाई मैं बिल्कुल भी नहीं देरी करने वाला, सीधा भी भाई मैं जिमी को पहले घर में छोड़ूंगा भाई, फिर अपन लोग निकलेंगे सीधा लेसर के पास एक गाड़ी को लेके। और गजर ये जो गाड़ी ने लेसर बोला कि जल्द जल्दी इसको मेरे पास लेके आ जाओ, तो भाई इसको जो है ना सीधा लेसर के पास लेके जाना पड़ेगा। एक सेकंड, मेरी गाड़ी कहाँ पर? ओ भाई एक सेकंड, मेरी गाड़ी कहाँ चली गई भाई? अब भाई यार मुझे लग रहा है मैं पीछे की तरफ उतर चुका हूँ, मतलब एग्जिट मैंने पीछे की तरफ से कर लिया है। लो गजर ये रही अपनी गाड़ी, एक तो भाई जिमी पता नहीं कहाँ रह गया। तो गजर यहाँ पर मेरी जिमी से बात हो चुकी है। और लो भाई छुट्टी हो गई, लंच हो गई, घंटे तो बज चुकी है। और जिमी ये बोल रहा है ये जो बंदे ना ये गजर कोई कॉलेज के बंदे नहीं है, ये कहीं बाहर के बंदे हैं। ओ भाई सब बाहर के बंदे ऐसे कैसे घुस सकते हैं भाई कॉलेज के अंदर, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। और ये जो बंदे हैं ये गजर जिमी से ये पूछ रहे थे कि तुम्हारा घर किधर की तरफ है, जब जिमी ने नहीं बताया ना तो ये जो है ना जिमी को बाथरूम में ले जाकर मारने लगे। मतलब भाई सब इन बंदों को तो गजर इन बंदों को तो भाई मैंने यहाँ पर जो ऐसी की तैसी कर दी है, लेकिन भाई मैंने जिमी से बोल दिया है कि अगर ऐसी कभी भी दिक्कत हो ना तो कॉल मिला दियो भाई, मैं तुरंत के तुरंत ही आ जाऊँगा। और जिमी ने यही किया यार, जिमी ने तुरंत के तुरंत ही मेरे को कॉल मिला दी। तो कैसे यहाँ पर तुम्हारे भाई गाड़ी को भगाते बस सीधा अपने घर पहुँच चुका है। और भाई मैंने अभी तक अपनी फैमिली को नए वाले घर के बारे में बताया नहीं है, मतलब भाई जो अगैता बेकर ने हमको गिफ्ट में करा था ना वो वाला घर। चलो कोई नहीं, यहाँ पर अपनी गाड़ी को लगाते हैं सीधा। जिमी बेटा जल्द से उतर जा, जिमी को मैं अपने रूम के अंदर जाने के लिए बोल देता हूँ। और मैंने बता दिया जिमी को, पूरा समझा दिया है कि अमांडो ट्रेसी को बताने कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को गजर पता होगा कि गजर माइकल की फैमिली बीच में जो है ना माइकल को छोड़ के चली गई थी, मतलब माइकल भाई गैंग वैंग ज्वाइन वन कर लेते और लड़ाई दंगे भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अगर गजर अमांडा ने ये सुन लिया कि भाई कॉलेज के अंदर दंगे हो रहे हैं तो भाई सब वो तो भाई अब छोड़ कर चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, वापस भी आने की है। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा गए, सो गजर यहाँ पर मैंने जिमी से बोल दिया कि तू अंदर की तरफ निकल जा,
और बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं भाई, मैंने इसे 3-4 बार बोल दिया है भाई, क्योंकि अगर ये जो है ना आटे की बोरी भाई बता देगा भाई किसी ना किसी को, तो इसलिए इसको जो है मैंने बुद्धि अच्छे तरीके से घुसा दी इसकी बुद्धि के अंदर अपनी बात। और भाई अभी जो है लेसर की मेरे पास कॉल आ चुका है, लेसर बोला जल्द से जल्दी गाड़ी को लेकर आओ, ये गाड़ी को लेकर चलते हैं, और अब का तो भाई मैं इसको जो ना उड़ा के लेके जाने वाला हूँ। चलो भाई इसको उड़ा के लेके चलते हैं यार, और भाई इसको उड़ाने में इतना ज़्यादा मजा आ रहा है ना। वैसे तो लेसर ने मना किया है इस गाड़ी को बिल्कुल भी उड़ाना मत, और भाई गाड़ी में थोड़ी बहुत डेंट वेंटी पड़ चुकी है, तो कोई नहीं गजर यहाँ पर लेसर की भाई बातें सुने क्या भाई साहब, क्या गाड़ी यार। गजर आप लोग मेरे को कमेंट में बताना आप लोगों को कैसी गाड़ी लग रही है, और इसको अपना पर्सनल यूज़ में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वैसे तो भाई लेसर जो है ना मना करेगा पर्सनल यूज़ में लेने की, लेकिन हम तब भी चला लिया करेंगे यार। तो चलो गजर आई थिंक आज के डिकल में सकते हैं, आप लोग को अच्छी लगे अच्छी लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब लेना, मैं मिलता हूँ इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.